नाजरीन आदाब, एवन टीवी रायचूर में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, साबिका रुकने असेंबली और केएमडीसी के साबिका सदर अलहाज सैयद यासीन ने बेंगलोर में आज वजीर आला येडियुरप्पा से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मकतूब पेश किया, जिसमें उन्होंने अपील की कि रियासत के उलमा इकराम के साथ एक इजलास तलब करते हुए मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमजानुल मुबारक की इबादत के ताल्लुक से कोई एक शेड्यूल बनाया जाए। बिलखसूस इन्होंने नमाज तरावी की इजाज़त देने के लिए वजीर आला से अपील की। सैयद यासीन ने मजीद कहा कि हर रमजानुल मुबारक में कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत के साथ तरावे मुकम्मल की जाती है। इस साल लॉकडाउन की वजह से रमजान के महीने में जनता कर्फ्यू होने की वजह से और सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए जाने की वजह से इबादतों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इबादत जमात के साथ नमाज पर भी पाबंदी है, लेकिन रमजानुल मुबारक में तरावे की नमाज में कम लोग ही सही, मगर कुरान पाक की तिलावत के साथ तरावे को मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए। इस सिलसिले में उन्होंने वजीर आला से दरख्वास्त की कि उलमा इकराम के साथ एक इजलास करते हुए इस सिलसिले में कोई शेड्यूल और कोई हिदायत मुरतब की जाए। इन्होंने मजीद कहा कि मौसम गर्मा होने की वजह से रायचूर ज़िले में पानी की शदीद किल्लत पैदा होने का अंदेशा है, लिहाजा तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक किनाल से पानी की सरबराही करते हुए रामपुर रिजर्वायर को पुर किया जाए। इसी तरीके से देही इलाकों में बोरवेल और बोलियां सूख गई होती हैं, इन्हें रिकन्जम्पशन के काबिल बनाने के लिए ज़िला पंचायत कोई मंसूबा बनाए। इसी तरह दीगर जानवरों के चारे और दीगर चीज़ों को जो मौसम गर्मा में इकदाम किए जाने चाहिए, उन तमाम इकदाम करने के लिए उन्होंने हुकूमत को तवज्जो दिलाई।